यार पागल हो गई हो क्या तुम? आधी रात को गधों की तरह लात मार के परेशान क्यों कर रही हो तुम? जब मैं तुमसे कह रहा हूँ कि हम दोनों की सच्चाई किसी को नहीं पता है तो फिर तुम टेंशन क्यों? क्या हुआ? चटका लगा ना? ये थप्पड़ तो कुछ नहीं, और तुझे चौराहे पे ले जाके नकोड़े पड़ने चाहिए। जनता तेरे पे थू थू करे और तेरे पे पत्थर पड़ने चाहिए। तू इसी लायक है दुनिया देखे कि कलयुग में शैतान पैदा हुआ है। तेरा मुंह काला करके खोते पे बैठा के पूरे शहर में घुमाए रखो। हाँ, ये सजा तुझे जान के दिलाएगी, जान के देगी तेरे को ये सजा। समझे तू? सजा दिला के पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। दो की जिंदगी बर्बाद कर रही है तू। पिता मुझको आंटी कहती है और मैं उसकी माँ को पहची बोलती हूँ, मतलब कि मैं पिता की मासी हुई। मैं उसकी माँ हूँ और मैं माँ होने का पूरा फर्ज निभाऊंगी। उसके लिए मैं कुछ भी कर दूंगी। प्रीता ने तेरा ऋषभ के साथ रिश्ता कराया और तू नागिन जिसने तुझे दूध पिलाया उसी को तू डसने चली गई। बहुत हो गया तेरा, कब से भाषण दिए जा रहे हैं, अब मैं तेरी जबान काट दूंगा अगर एक शब्द भी बोली तो। अब तेरी बोलती बंद और मेरी शुरू, समझी तू? जानकी बुढ़िया, तूने मुझे बहुत इरिटेट किया है। तूने मेरा दिमाग किस लेवल तक सटकाया है ये तुझे अंदाजा भी नहीं है। और जब पृथ्वी का दिमाग सटक जाता है ना तो शलिन ने भी से पूछ के अंजाम होता है। क्या लगा तुझे कि हम दोनों को डरा धमका कर तू यहां से बच निकलेगी? तुमने ऐसा सोचा रियली? एक बात कान खोल के सुन ले, जब तक ये पृथ्वी जिंदा है ना ऐसा कभी होने नहीं देगा। तूने मुझे और मेरी स्वर्ण देवी को थप्पड़ मारा, हाँ मेरे घर में आके हमें डराया धमकाया। तूने हम दोनों को बहुत टेंशन दिया चांद की बुढ़िया, और इसकी सजा तुझे मिलेगी। और पता है इसकी सजा क्या है? हाँ, तेरी मौत। बेबी बेबी जरा इसका एक्सप्रेशन तो देखो, कैसी डरी हुई लग रही है। हाँ, और इसको इस तरह डरा हुआ देखकर ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे दिल को ठंडक पहुंच रही है। पर जानकी बुढ़िया, तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। पता है क्यों? तुझे आराम से मारूंगा, ऐसे 20-25 बार वार करूंगा तब जाके तू मरेगी। और तू ना ऊपर जाके ना शांति से रहना, ऊपर जाके दूसरों के मामलों में दखल अंदाजी मत करना। नीचे वालों को तो बहुत इरिटेट करती है, परेशान करती है, टेंशन देती है, समझी तू? और ये मेरी रिक्वेस्ट नहीं है, वार्निंग है, यू गेट दैट? अगर तुझे दर्द हुआ तो क्या हो गया? मैं इसको इनाम थोड़ी दे रहा हूँ, हाँ सजा दे रहा हूँ। तो इसका रोना धोना तड़पना ये सब तो बनता है। जब ये रोएगी तड़पेगी चीखेगी चिल्लाएगी तभी मेरे दिल को सुकून मिलेगा ना। जान की बुढ़िया, और मेरे दिल को भी। इसकी वजह से मेरी जिंदगी एक बुरा सपना बन गई थी और इसने मुझे थप्पड़ मारा। बेबी तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था ना कि जो मुझे दुख देगा तुम उसे 100 गुना ज्यादा तकलीफ दोगे। मार दो इसे। ऑफ कोर्स बेबी, आई प्रॉमिस्ड यू एंड आई एम गोइंग टू फुलफिल। तुम जैसा कहोगे वैसा ही होगा, मैं इसे बहुत तकलीफ दूंगा, आई प्रॉमिस। लेकिन लेकिन बेबी, इसके मरने से पहले ना इसे कुछ राज की बात बता दो, वरना ये चुड़ैल बनके मेरे पीछे पड़ जाएगी और बोलेगी मैनू गल दस, मैनू दस। गुड आइडिया, और मेरा भी रिवीजन हो जाएगा, परफेक्ट। उठ उठ
हमारा प्लान एकदम ट्रैक पे चल रहा था, मैं ऋषभ के साथ और पृथ्वी प्रीता के साथ। इतना तो मैं समझ गई कि प्रीता तेरे रास्ते में आई, पर तू ऋषभ के साथ शादी क्यों करना चाहती है जबकि ये बुराई का पुतला तेरे पास है। अब देखो, अगर तुम लूथरा फैमिली की मेंबर होती ना तो मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाती और वो भी डिटेल्स के साथ, तो तुम सब कुछ समझ जाती। लेकिन क्या करें, तुम तो एक नौकरानी हो और वो भी प्रीता की फैमिली की। तुम्हारे लिए मेरे पास इतना टाइम नहीं है। हाँ, लेकिन मैं तुम्हें ये बता सकती हूँ कि प्रीता के साथ क्या क्या होगा, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती कि मरने के बाद तुम्हारी आत्मा तड़पती रहे, है ना। तुम्हारी आत्मा को शांति मिले इसे तुम्हें सब कुछ बता देती हूँ। जब पृथ्वी की शादी प्रीता से होगी ना, तो वो उसकी जिंदगी नर्क से भी बदतर बना देगा। और बेबी, सृष्टि की भी। पता है क्यों? क्यों? वो लड़की बहुत बड़बड़ करती है और मेरे खिलाफ बहुत बोलती है। वो मुझे इरिटेट करती है। और तुम तो जानती हो ना मुझे, जो भी मेरे खिलाफ होता है वो मेरे निशाने पर आ जाता है, और जो मेरे निशाने पर आ जाता है उसका हाल क्या होता है? Just wait and watch. उस सृष्टि को भी बर्बाद कर दूंगा मैं। Just wait and watch. और वो जो तुम्हारी बीजी ना, जिसे तुम दादी कहते हो, उसे नौकरानी बनाकर रखूंगी मैं। और तुम्हारी सरला, उससे मैं अपने तलवों में तेल लगवाऊंगी, मेरे आगे पीछे घूमेगी, मैडम जी बोलती हुई। हाँ, क्या हुआ बेबी? तुमने इसको बहुत ज्यादा बता दिया। हाँ, अब तो मुझे इसे खत्म करना होगा। खत्म कर दो इसे। हाँ, खत्म कर दो। ये दरवाजा किसने खोला? जिस किसी की भी लापरवाही है ना ये, तो मैं इसे केस लूंगी। रात को सबसे लास्ट में कौन आया अंदर? जानकी आंटी को हमने ले आए, समीर बाहर चला गया, मैं समीर के पीछे गई, दी समीर का मोबाइल लेके बाहर आई, और फिर मैं और दी लास्ट में आए। और मैंने तो अपने हाथों से डोर लॉक किया था यार, तो ये खोला किस? चोर कहीं चोर तो नहीं उसके अंदर? पिछले बार हमने जिसकी पिटाई की थी, कहीं वो तो दोबारा से? जानकी आंटी तो कमरे में ही नहीं है यार ये। जानकी आंटी माँ माँ जल्दी बाहर आना। जानकी आंटी, अरे मामा जल्दी आओ ना बाहर यार। दी सृष्टि क्या कर रही है? इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही है? तुझे पता है ना बीजी अभी दवाई खा के सोई है, उठ गई ना तो सुबह तक नींद नहीं आएगी, उनको तबियत खराब हो जाएगी। बोल सृष्टि। दी जानकी आंटी घर पर नहीं है। मैंने सुन लिया कि तू क्या करने वाला है। अब कान खोल कर तू मेरी बात भी सुन ले कि मैं करण और ऋषभ के पास जाने वाली हूँ और तुम लोगों के कच्चे चिट्ठे खोलने वाली हूँ। मुझे मारने चले थे, अरे तुम लोगों की जिंदगी अब मौत से भी बदतर होगी। मुझे मारने की कोशिश में मैं तुम लोगों को उम्र कैद की सजा दिलवाऊंगी। अरे सजा ना दिलवा दी तो जान की मेरा नाम नहीं। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। क्या जरूरत है उससे सारी डिटेल बताने की? मेरी क्या गलती है? तुमने कम बड़बड़ की क्या उसके सामने? मुझे क्या पता था कि ये बुढ़िया नौकरानी इतनी शातिर निकलेगी और हमें लॉक करके भाग जाएगी। अब चुप रहो और मुझे कुछ सोचने दो कि हम यहाँ से बाहर कैसे निकले। ये वो सच में लूथरा हाउस पहुँच गए तो मेरा पूरा सपना सच हो जाएगा। करण और ऋषभ यहाँ आकर हमारी वाट लगा देंगे। बेबी तुमने क्या सपने में ये देखा कि करण ऋषभ और पूरी लूथरा फैमिली यहाँ मेरे घर आई है? हाँ, और करण और ऋषभ तुम्हें कुत्तों की तरह लात मार रहे थे। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।